अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हर यूट्यूबर के लिए जो न्यू है या फिर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह बड़े यूट्यूबर प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करके बहुत अच्छे व्यूज़ हासिल करती हैं। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे, तो मैंने इसी चीज़ को देखा है कि अगर आपके थंबनेल अट्रैक्टिव हैं तो आपको व्यूज़ जल्दी आएंगे, आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो अगर आप अपने थंबनेल अच्छे बनाना शुरू कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं 1 महीने के अंदर अंदर आपका चैनल ग्रो करना शुरू कर देगा। तो आज मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो कि कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, आज सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। इसके अलावा दूसरा चैनल मेरा है जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आई थिंक प्ले स्टोर की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन मैं समझता हूँ, जिसके डाउनलोड 10 मिलियन है, पिक्सल लैब टेक्स ऑन पिक्चर। सबसे बेहतरीन ये एप्लीकेशन है थंबनेल बनाने के लिए। इसके अलावा आप यूट्यूब का बैनर भी बना सकते हैं, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ एक और चीज़ आपने डाउनलोड करनी है, तो आपने जाना है अपने गूगल में और गूगल में आपने लिखना है डाउनलोड जमील नूरी नस्तलीक। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दोनों चीज़ें आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी पीएनजी फाइल की। पीएनजी फाइल क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें ये पीएनजी फाइल होती है जिसका जो बैकग्राउंड है वो डॉट्स वाला होता है। अगर आप गूगल में जा कर लिखेंगे इस तरह यूट्यूब पीएनजी, इस तरह पी एन जी इमेज इस तरह लिख लें यूट्यूब इमेज, तो इसको आप सर्च करें, यहाँ पे जो पिक्चर्स आएंगी वो पी एन जी होंगी, इनका जो बैकग्राउंड है वो डॉट्स का होगा, जिससे आपको जस्ट पिक्चर्स जो ऐसी मिलेंगी जिनके बैकग्राउंड नहीं होंगे, जस्ट ऊपर वाले जो है अल्फाज हैं वही यूज़ होंगे। तो ये आपने एक चीज़ करनी है, पी एन जी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा डाउनलोड कर लेनी है जिससे रिलेटेड आपकी चीज़ें या आप थंबनेल या वीडियो बना रहे हैं। चले जी, एप्लीकेशन के अंदर हम इंटर होते हैं। इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है सेटिंग। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ऊपर साइड लेफ्ट राइट की तरफ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे बाकी तो चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेज साइज़, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कस्टम नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप यूट्यूब बैनर भी बना सकते हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक है यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये यूट्यूब थंबनेल का प्रोफेशनल किस्म का जो है साइज़ आ चुका है, तो यहाँ पर देखें ये आ गया। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, दायरा सा बना हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे अगर ए पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ जो स्टाइल्स हैं वो मिल सकते हैं आपको। उसके बाद इनका बैकग्राउंड जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे कलर कोई भी दे दें, तो यहाँ से मैं कोई भी कलर पिक कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाएँ टेक्स्ट पे, इसको एक दफ़ा मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको बता दूँ टेक्स्ट कहाँ पर आना है। यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब इसको इस तरह दबा के आप जूम और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं साइज इसका। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे अब एडिट का ऑप्शन एक पेंसिल से नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने लिखना है हाउ टू क्रिएट थंबनेल, ठीक है। जल्दी इसमें आपको करके बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। इस तरह आपने लिख देना है, इसको पकड़ के इस तरह आगे करते हैं हम ताकि ये कवर हो जाए इस तरह। अब साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इधर से भी साइज़ आप छोटा कर सकते हैं, इधर से पकड़ के इस तरह मज़ीद छोटा कर लेते हैं। चलें जी, अब इसका हमने कुछ इसमें खूबसूरती लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ में आगे यहाँ से भी साइज़ को आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कलर जो है आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं येलो कलर डाल देता हूँ। उसके बाद आगे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट इसका आप कोई भी डाल दें, मैं फ़िलहाल ये डाल देता हूँ ताकि जल्दी से मैं आपको बता सकूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये कर लिया। उसके बाद बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोई भी बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं येलो बैकग्राउंड इसको दूंगा, ठीक है।
उसके बाद इसको आप लेफ़्ट से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, ये देखें, ठीक है, इस तरह राइट से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्ज़ी हो, और उसको आप गोल भी कर सकते हैं, इसके कोने जो हैं इस तरह, ठीक हो गया। उसके बाद आप इसको शेडो भी दे सकते हैं, स्ट्रोक, तो यहाँ पे ब्लैक ही मैं दूंगा इस तरह, ठीक है। उसके बाद शेडो भी दे सकते हैं दूसरा, ये वाला कोई भी जो आपका दिल चाहे, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको नहीं दूंगा इस तरह, ये हो गया। अब हमने इसको लिखना है उर्दू में, तो यहाँ पे फिर मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा, ए को दबाऊँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इसको मैं नीचे ले आऊँगा, ये न्यू टेक्स्ट आ गया, इसको नीचे से इस तरह आप घुमा के टेढ़ा और सीधा भी कर सकते हैं। खैर, ये आ चुका है, अब इसको मैं ज़ूम कर लूँ, सीधा कर लूँ, चलें जी। अब यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे चलता हूँ, यहाँ पे आपने कोई भी उर्दू का कीबोर्ड आप प्ले स्टोर से इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब की वीडियो का थंबनेल कैसे बनता है, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आपने जो डाउनलोड किया होगा फ़ॉन्ट, जो मैंने आपको कहा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इधर से इस तरह, तो बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं वाइट ही रखूँगा। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट पर देखें, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर माई फ़ॉन्ट पर क्लिक करता हूँ तो जमील नूरी की जब फ़ॉन्ट है यहाँ पर मौजूद है, तो इसको मैं जमील नूरी पर कन्वर्ट करके इसका साइज़ इनक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इंक्रीज़ करने के बाद इसको अब मैं कर लूँगा बोल्ड, तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, स्टाइल पे बोल्ड, इस तरह बोल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड इसका जो है मैं वो दूँगा रेड, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद इसका टॉप जो है वो मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, बॉटम भी थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा, उसके बाद इसको मैं गुलाई में कर दूँगा इस तरह, जितना आपको अच्छा लगे। उसके बाद आ जाएँ स्ट्रोक पे, तो यहाँ पे स्ट्रोक की इसका बॉर्डर है, देखें ये वाला, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक करूँगा और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगा। उसके बाद शेडो अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ब्लैक ही इसको शेडो दे दूँगा। तो यहाँ पे देखें, अब हमने लगानी है PNG जो पिक्चर्स हैं, तो यहाँ पे हम गैलरी पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप PNG पिक्चर्स जो है बहुत डाउनलोड कर सकते हैं, जितनी आपकी दिल चाहे। तो यहाँ पे मैंने PNG पिक्चर्स जो हैं डाउनलोड की हुई हैं, जैसे एक मोबाइल मैंने डाउनलोड किया है, इसका जो बैकग्राउंड है ना वो शो नहीं होता, PNG फाइल का ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह इधर लगा देता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके इस तरह, ठीक है। उसके बाद मज़ीद मैं PNG फाइल्स ले लेता हूँ एक दो, ताकि खूबसूरत आपको मैं प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल बना के दिखाऊं। लास्ट पे जब बनेगा तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई मज़ा आ गया थंबनेल देखकर। और ये देखें, तो अगर वीडियो यार पसंद आए और इतनी मेहनत से मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बन जाएं, तो मेरा सीखो टेक चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना है, और राशिद, आई एम राशिद अंसारी, ये दोनों चैनल आपने प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाने हैं, क्योंकि आज मेरा हक बनता है कि ये दोनों चीज़ें आप जो है सब्सक्राइब करके जाएं। तो उसके बाद एक मज़ीद हम पिक्चर ले लेते हैं जो कि PNG हो, तो यहाँ पर मैं PNG थोड़ी सी आपको दिखा भी देता हूँ किस किस्म की होती हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। तो ये यूट्यूब लिखा हुआ है गोल गुलाई में, तो यहाँ फाइल ये होती है जिनका बैकग्राउंड ना डॉट्स होते हैं सफ़ेद, तो ये जस्ट पिक्चर ऊपर शो होती है, बाकी नहीं होता। तो इसको ये आप गूगल से इजीली बहुत पिक्चर्स डाउनलोड कर सकती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इनको हमने खूबसूरत करना है, यहाँ पे आपको ये बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रोक जो है वाइट कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा विड्थ कर देंगे, और उसके बाद हम चले जाएँगे शेडो पे, तो शेडो को हम जो है येलो करके इस तरह कर देंगे, इसका शेडो जो है वो भी येलो करके इसकी साइज़ को ज़्यादा कर देंगे, उसके बाद इसका शेडो जो है वो भी हम ग्रीन करके ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, ये आपका जो प्रोफेशनल थंबनेल है खूबसूरती तरीके से जो है क्रिएट हो चुका है। तो अब इसको आपने सेव कहाँ से करना है, यहाँ पे ऊपर आपको सेव का ऑप्शन नज़र आया, यहाँ पे करें और सेव हैज़ इमेज यहाँ पे क्लिक करें, और उसके बाद सेव टू गैलरी पे कर दें। तो इस तरह आप प्रोफेशनल जो है इमेज और क्रिएट कर सकते हैं थंबनेल, और बहुत ही आसानी से, और बहुत से मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि 98% थंबनेल की वजह से आपका चैनल ग्रो करता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अपने थंबनेल अच्छे बनाएँ,
होपफुली अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करना तो ज़रूर बनता है। तो इसका लाइक टारगेट हम 200 रखेंगे, प्लीज़ लाइक करना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।